गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा बेसिकली जो चैप्टर चल रहा है वो रिलेशन और फंक्शन चल रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा है या फर्स्ट वीडियो में जो हमने सीखा है वो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कोई भी ए सेट है, कोई भी बी सेट है और हमने उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा कि कैसे निकालते कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड जो हमने पढ़ा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर वीडियो के अंदर हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर। अभी तक हमने रिलेशन और फंक्शन का ये बेसिक्स पढ़ा है, मींस ना हमने कहीं अभी रिलेशन को सीखा है ना कहीं हमने फंक्शन को सीखा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली रिलेशन के ऊपर है कि रिलेशन होता क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम रिलेशन को बनाते हैं कि किस चीज़ एलिमेंट का या किस सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मेरे पास कोई भी ए सेट है 1 2 3, कोई भी बी सेट है 4 5 6। इस सेट के साथ हमें कोई रिलेशन बनाना है। इट मींस मेरे किस किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस 1 की अगर मैं बात करूँ तो इस 1 का जो रिलेशन बन सकता है 4 से बन सकता है। मेरे पास ये जैसे हमने सेट्स में वेन डायग्राम पढ़ा था, वेन डायग्राम हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं एरो डायग्राम कैसे होता है। मेरे पास कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। इस सेट के अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं, लाइक यहाँ पे जो एलिमेंट हो गया वो 1 2 3 हो गया और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हो गया वो 4 5 6 हो गए। 3 एलिमेंट्स इस सेट में मैंने लिए और 3 एलिमेंट्स मैंने इस सेट में लिए। मुझे इस सेट के साथ एक रिलेशन बनाना है। मैं किस तरीके से एक रिलेशन बना सकता हूँ। इस 1 का रिलेशन बन सकता है 4 के साथ, 2 का भी रिलेशन 5 के साथ बन सकता है, 3 का भी रिलेशन 6 के साथ बन सकता है। सिर्फ आमने सामने ही रिलेशन नहीं बनते, लाइक अगर मैंने 4 के साथ रिलेशन बनाया है तो 1 का 5 के साथ भी रिलेशन बनता है, 1 का 6 के साथ भी रिलेशन बनता है। मीन्स एक सेट का एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है। सेम 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ भी है, 2 का 5 के साथ भी है और 2 का 6 के साथ भी है। सेम इस 3 का है, इस 3 का 4 के साथ भी है, इस 3 का 5 के साथ भी है और 3 का 6 के साथ भी है। मीन्स हमने एक चीज़ देखी, हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है। रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी मीन्स हर एक एलिमेंट्स। तो अगर मुझे रिलेशन को लिखना होता है तो मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ। 1 का रिलेशन पहले 4 के साथ आया, 1 का रिलेशन 5 के साथ आया और 1 का रिलेशन 6 के साथ आया। 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है और 2 का रिलेशन 6 के साथ है। सेम 3 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है और 3 का रिलेशन 6 के साथ है। क्लियर है? ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर है। हम जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं या तो हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी कि इसका ये रिलेशन है या हम एलिमेंट को लिख सकते हैं कि ये वाले रिलेशन बन रहे हैं। अभी एक चीज़ देखते हैं, हमने जितने भी ये पेयर लिखे हैं ये सारे के सारे जो पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर है। कैसे पेयर है? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है। लाइक कोई भी हमने पेयर को उठाया, फॉर एग्जांपल हमने कोई पेयर को उठाया दैट इज 1 4। इस 1 4 का मतलब है कि 1 का 4 के साथ कोई रिलेशन है, मीन्स एक्स का कोई रिलेशन है वाई के साथ या वाई का कोई रिलेशन है एक्स के साथ, मतलब एक दूसरे की कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब जो आगे वाला एलिमेंट होता है वो बेसिकली ए सेट का होता है और पीछे वाला एलिमेंट B
बी सेट का होता है यदि हम ए क्रॉस बी की बात करें, ऐसा हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। इट मींस जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो हमें एक रिलेशन बताता है, एक रिलेशन बताता है, किसका रिलेशन बताता है, आगे वाले का पीछे वाले के साथ। अब ये तो हमें पता लग जाता है कि इसका रिलेशन इसके साथ है, बट अगेन एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि क्या रिलेशन है। इसका इसके साथ रिलेशन तो पता लग गया, लेकिन क्या रिलेशन है वो चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। किसका किसके साथ रिलेशन है और क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हमने जब इनका इनके साथ एक रिलेशन बनाया तो हमने हर एक पेयर को लिखा। इस हर एक पेयर के अंदर या इस सेट के अंदर जितने भी हमने पेयर लिखे हैं उसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने यही पढ़ा कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठाते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है। ये जो फॉर्म हमने रिलेशन की लिखी है, ये फॉर्म जो रिलेशन की लिखी है ये वाली फॉर्म रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। आइए हम एक और फिर क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्वेश्चन उठाते हैं सुनना, मेरे पास अगेन कोई भी एक सेट है 1 2 3, एक बी सेट है मान लेते हैं मेरे पास 4 5 6, क्लियर है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर होता है लाइक एक्स वाई एक पेयर है। ये जो आगे वाला एक्स है ये हमें कोई ना कोई रिलेशन देता है इसके साथ। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई ग्रेटर देन एक्स, फिर कॉमा, एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है ए सेट के सभी एलिमेंट को और वाई जो है वो बिलोंग्स करता है बी सेट के सभी एलिमेंट को। वापस फिर देखिए, एक रिलेशन है, इसमें एक पेयर लिखा गया है, उस पेयर का आपस में क्या रिलेशन है कि जो पीछे वाला नंबर है ये आगे वाले नंबर से बड़ा है। पहली बात, जो एक्स है मीन्स जो आगे वाला नंबर है वो ए सेट का एलिमेंट होना चाहिए और जो पीछे वाला एलिमेंट है इस पेयर का वो संबंध रखना चाहिए बी सेट में, मतलब उसके सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होने चाहिए। कैसे बनाते हैं रिलेशन? ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हमारे पास दो सेट है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें रिलेशन दिखाती है कि इसका रिलेशन है। अब देखिए हमें इस चीज़ से क्या क्लियर हुआ, वाई का रिलेशन एक्स से है या एक्स का रिलेशन वाई से है। इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर हुई कि वाई जो है वो एक्स से बड़ा है। हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, हमें रिलेशन में पता होना चाहिए लाइक ए बी का भाई है तो कौन सा भाई है, बड़ा भाई है छोटा भाई है। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन के क्या क्लियर कर दिया कि जो वाई वाला पार्ट है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए। ओके तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जब हम इसके एलिमेंट को लिखते हैं, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ 1 उठाया, यहाँ पे 4 उठाया, हमने 1 4 को लिखा। अब एक बात ध्यान से देखिए कि जो वाई है वो एक्स से बड़ा है, कंडीशन भी ट्रू हो गई। जो आगे वाला एलिमेंट है वो ए सेट का है और जो पीछे वाला एलिमेंट है वो बी सेट का है। हमने लिखा 1 5, इसी तरह लिखा 1 6, तीनों चीज़ फॉलो हो रही है, वाई एक्स से बड़ा भी आ रहा है, आगे वाला एलिमेंट ए सेट का भी मिल रहा है, पीछे वाला एलिमेंट बी सेट का भी मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हम 2 की बात करें तो 2 4 2 5 एंड 2 6, क्लियर हो गई ये बात भी। अगर हम 3 की बात करें 3 4 3 5 एंड 3 6, हमने एक रिलेशन को बनाया, इस रिलेशन को हमने एक सेट की फॉर्म में बनाया दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। और इस बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म तो ये वाली है, हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो वो कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म, ये वाली रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट टाइप की फॉर्म होती है। हमने जब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सारे के सारे पेयर बने, हर एक पेयर में आपस में एक रिलेशन है, चाहे वाई का एक्स के साथ है चाहे एक्स का वाई के साथ है, बट उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है
लाइक इस क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है वो वाई ग्रेटर देन एक्स है, क्लियर है। तो ये वाला जो रिलेशन बना वो इसके बेस पे बनाया गया जिसके सारी दोनों कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आगे वाला एलिमेंट ए सेट का है, पीछे वाला एलिमेंट बी सेट का है। चलिए एक और रिलेशन देखते हैं। मेरे पास कोई भी ए सेट है 1 2 3, अगेन एक दोबारा से मैंने सेम सेट लिया बी दैट इज 4 5 6। आर एक रिलेशन है, ए टू बी भी लिखा जा सकता है या आर एक रिलेशन है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी, ए टू बी का मतलब भी ए क्रॉस बी होता है, आर का मतलब कोई रिलेशन है। इसको मैं आर टू ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ पे क्वेश्चन किया ये मैं आर वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेट सेम ले रहा हूँ बार बार रिलेशन को अलग अलग कर रहा हूँ, तो मैं आर वन आर टू आर थ्री इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आपके पास सिंगल क्वेश्चन है तो आपको आर ही मिलेगा। ओके, अब रिलेशन क्या है वो सुनना। रिलेशन क्या है, एक सेट है दैट इज एक्स वाई, मीन्स एक पेयर की फॉर्म में है। जो वाई है ये एक्स प्लस थ्री मान लेते हैं कि एक्स में अगर आप तीन को जोड़ोगे तो वाई निकलना चाहिए। एक्स ए सेट में बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। चले आगे, अब एक और चीज़ क्लियर करते हैं। हमारे पास ये रिलेशन जरूर है, ये रिलेशन एक्स वाई का रिलेशन है। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। वी हैव टू कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। चलिए सबसे पहले हमने एलिमेंट, हमारे पास सेट के अंदर एक में 1 2 3 है जो ए सेट है, साथ साथ दूसरा सेट कौन सा है 4 5 6, मीन्स जो बी सेट है। हम सेट में गए, हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, सबसे पहले 1। इसको एक्स क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है कि जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है। एक्स की जगह पे 1 लिया, 1 में हमने 3 को जोड़ा तो वाई आया 4, तो पेयर बना 1 4। अब देखिए ये वाला एलिमेंट ए में मिल रहा है, ये वाला एलिमेंट बी में भी मिल रहा है और इसमें 3 ऐड करने पर ये आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। सपोज करो मैं अगला लिखूं एक्स की जगह पे 2, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 में 3 ऐड करोगे तो ये आ गया 2 5। ए सेट का एलिमेंट है, बी सेट का एलिमेंट और इसमें 3 ऐड करने पर आपके पास 5 आएगा, नेक्स्ट आ गया 3 6। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 पेयर निकले जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे सारे रिलेशन लिखने हैं, मुझे वो रिलेशन लिखने हैं जो मेरी कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ, मेरे पास एक सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 4 5 6, रिलेशन है मेरे पास ए टू बी, क्लियर है, और आर थ्री मान लेते हैं इसको थर्ड क्वेश्चन के लिए। आर थ्री एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, एक्स वाई, सच दैट कि जो वाई है वो एक्स प्लस 4 मान लेते हैं और एक्स जो है वो आपका ए सेट में बिलोंग कर रहा है और वाई जो है आपका, ये वाई है बेटा, ये आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है। हमने सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले हमने लिया एक्स की जगह पे 1, क्योंकि एक्स जो है वो ए में है, ए का पहले 1 1 में 4 को ऐड किया तो वाई आया 5। क्या 5 बी सेट में है, है तो आपको लिखना है 1 5। हमने फिर लिया 2 2 के में अगर हम 4 ऐड, पहले लिया 1 1 में 5 को ऐड करा तो 1 में सॉरी 4 को ऐड किया तो 5 आया, हमने पेयर लिख दिया 1 5। हमने जब 2 लिया, 2 में 4 को ऐड किया तो आया 6। सपोज करो मैं 3 लेता हूँ, 3 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो ये आएगा 7, लेकिन 7 बी सेट में नहीं है, इट मीन्स मेरा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, तो मेरे पास सिर्फ कितने पेयर निकले, ओनली 2 पेयर निकले। तो इस तरीके के रिलेशन जो होते हैं वो हम अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्लियर है। अच्छा जी चलिए एक और चीज़ देखते हैं, फाई का या नल सेट का। अगेन मेरे पास 1 2 3 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर मान लेते हैं अगेन 3 और एलिमेंट है, बट रिलेशन क्या है इसके अंदर, एक आर फोर एक रिलेशन मान लेते हैं, और रिलेशन क्या है कि एक पेयर है
और वो पेयर क्या दिखाता है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? एक्स जो है वो आपका ए सेट में बिलोंग कर रहा है, वाई आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और चीज़ फिर देखते हैं, क्या ऐसा कोई रिलेशन बना सकते हो जिसमें एक्स वाई से बड़ा है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमने जब इनके स्टार्टिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें एक्स वाई से बड़ा है ना? इन स्टार्टिंग थ्री में है, इन थ्री में भी नहीं है, इन थ्री में भी नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो बड़ा नहीं है, मीन्स एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बन पाता तो आप यहाँ पे लिखोगे फाई, मीन्स नल सेट। और नल सेट क्या होता है कि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारी कंडीशन को या हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है? अब हमने इन्हीं तीन चार क्वेश्चन में सभी में एक लॉजिक देखा। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला, ध्यान से देखना। अब मैं सभी से एक कंक्लूजन निकालता हूँ। तो हमारे एलिमेंट आए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये मैंने क्या निकाला, स्टार्टिंग में दी गए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। जब मैंने R1 को फाइंड आउट किया तो मैंने देखा कि R1 के अंदर भी जो मेरे पेयर बन के आ रहे हैं वो सारे सेम बन रहे थे, क्योंकि हमारा रिलेशन इस तरीके का था। क्लियर है? हमारा रिलेशन इस तरीके का था तो हमने रिलेशन इस तरीके का बनाया। ओके, इन द सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो मेरा रिलेशन था वो ये वाला था 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6। ओके, अगर थर्ड रिलेशन की बात करूँ तो तीसरा रिलेशन मेरा क्या आया था, ओनली 1 5 और 2 6। इन थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जो पेयर बना था वो यही बना था, और जो फोर्थ था उसमें मेरा आया था 5। अब हमें देखना क्या है, मेरे पास ए क्रॉस बी था, आर वन को मैंने निकाला, आर टू को मैंने निकाला, आर थ्री को निकाला, आर फोर को निकाला। जो आर वन है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, जो आर टू है ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, जो आर थ्री है ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, जो आर फोर है ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। इट मीन्स रिलेशन की क्या डेफिनेशन निकलती है वो देखना है। रिलेशन की डेफिनेशन ये निकलती है कि रिलेशन वो है सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन चाहे कोई भी हो बट वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, जो हमारे पास सेट दिए जाएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स जो हम एलिमेंट का एलिमेंट से रिलेशन बनाएंगे वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन हमेशा उसका एक सबसेट होता है। तो एक मैथमेटिकली जो हम डेफिनेशन, ये तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था कि ऐसे रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, एक बात और देखना है, जब भी हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो जो आगे वाला एलिमेंट होता है ये सारा फर्स्ट सेट में है, इसको डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। अभी हम ये वाला जो टॉपिक है ये हम फंक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे, और जो पीछे वाला है मतलब जो आगे वाला है उसे एक्स और जो पीछे वाला उसे वाई कहते हैं, ये डोमेन कहलाता है और ये रेंज कहलाता है। किसी भी रिलेशन की कोई डोमेन पूछता है तो आगे वाला एलिमेंट उसकी डोमेन कहलाती है, और जो पीछे वाला एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज कहलाती है। और जो इनको मिला के बनती है, जो भी हम टोटली एलिमेंट्स को निकालते हैं पेयर में, वो कोडोमेन होती है। ये वाला टॉपिक हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक हम जो डीप में पढ़ेंगे वो फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी हम जो रिलेशन सीख रहे हैं कोडोमेन, इसके अंदर टोटल्स जो हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि जो रिलेशन निकला वो एक सबसेट निकला ए क्रॉस बी का। तो फाइनली हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, किसकी डेफिनेशन बनाते हैं, रिलेशन की, कि रिलेशन होता क्या है। हम खाली मैथमेटिकली ये तो नहीं कह सकते किसी से कि रिलेशन संबंध रखना होता है। अ रिलेशन आर या एनी रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, फ्रॉम अ
नॉन एम्प्टी सेट ए ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट बी इट्स सबसेट ऑफ, इट्स सबसेट ऑफ किसका सबसेट? अभी हमने क्या देखा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, समझ गए होंगे? जो हम ए टू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है उसका, एक सबसेट होता है। अब इस सबसेट को और देख लेते हैं, ये सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि ये जैसे मान लेते हैं ए बी का सबसेट है, तो इसका वैसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए, तो ए बी का सबसेट है। बट सबसेट की अगर हम रिलेशन की बात करें तो सबसेट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द सबसेट इज डिराइव्ड, इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। समझ गए होंगे, क्योंकि हम जो एक रिलेशनशिप को निकालते हैं, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप, बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, एंड सेकंड एलिमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने एक वर्ड छोड़ा है, कौन सा, किसका फर्स्ट एलिमेंट किसका सेकंड एलिमेंट, ऑफ ऑर्डर। अब वही बात होगी, ऑर्डर कहां से निकालोगे, तो आपको लिखना ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। नाउ ये रिलेशन के कंप्लीट डेफिनेशन है। रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और कोई पूछे सबसेट क्या होता है, तो सबसेट एक वो एलिमेंट या वो एक सेट होता है जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में होने ही चाहिए। कहां से निकलते हैं, या कोई भी एक पेयर होता है, वो पेयर कहां से निकलता है, ए क्रॉस बी से निकलता है। तो रिलेशन बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट समझने के लिए सारा आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए। एरो डायग्राम से बहुत इजी होता है मेथड को बनाना, रिलेशन को बनाना। आपको रोस्टर फॉर्म दिए जाएंगे, आपको सेट बिल्डर बनाना है, या सेट बिल्डर दिए जाएंगे तो आपको रोस्टर बनाना है। स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट होता है, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके पूछने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप अपने डाउट को क्लियर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।